मैं अभी अभी शावर लेके आया हूँ, मेरे पास चार पांच अच्छे आइडियाज हैं, तो मैं अभी तुषार के साथ रिकॉर्डिंग करूंगा। अगर मेरा थोड़ा पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी हो ना, जिसमें मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं देखा ये मेरा लेजर टाइम होता है, और लेजर टाइम में मैं ऑफकोर्स मोस्ट क्रिएटिव होता हूँ। आज मैं बेटर भी फील कर रहा हूँ। पिछला पूरा हफ्ता मैं थोड़ा लो था, नॉट कि कुछ गलत चल रहा था, ऐसा नहीं है कि मैं डिप्रेस था, जस्ट वॉजंट फीलिंग फुली ओके। तो सॉरी, अपडेट्स जो हैं अब की बार कम है थोड़े, पर अपडेट्स के बाद हम डेफिनेटली ये Q&A जरूर करेंगे। ये हम हैं, ये हमारे रेस्क्यू डॉग्स हैं, और ये हमारी पुल पारी हो रही है। गर्मियाँ आ गई हैं, तो हमने डॉग्स के लिए पूल पार्टी का इंतजाम किया है, और जो और कर्ली पूल पार्टी का मजा उठाते हुए अभी एक बछड़े को लेके कुछ लोग आए हैं। टनल के पास पड़ा है ये 3 दिन से, वहाँ पे ये धूप में कुछ नहीं, और वहाँ पे कोई अदर कोई जानवर नहीं, ना इसको खाने को, ना पीने को, ना कुछ, ना कुछ कोई कुछ छोड़ गया इसको वहाँ पे। और ये सर सब कुछ हो रहा है, मतलब जो डिपो में राशन मिल रहा है लोगों को फ्री में, BPL में वगैरह में, जो उसके वजह लोग खेती नहीं कर रहे हैं तो इनको छोड़ रहे हैं। ये डिपो के राशन से नाराज होंगे, लेकिन अपनी डेयरी की बात नहीं करेंगे। सारी बात इमोशनल सी हो जाती है ना, कि हमारे पास जगह नहीं है, वो इंसिस्ट कर रहे हैं, बच्चे की शक्ल देखो, अब हम क्या करें, पर अल्टीमेट डिसीजन ज्योति का है। ज्योति पिघल रही है, आपने देख लिया किसकी चलती है। मैं आपको एक और बात बताऊं, अब ये अस्पताल है, ठीक है, तो अस्पताल में इन्फेक्शन होता है ज्यादा, ठीक है, बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है, तो यहाँ पे इसका जो रिस्क है सड़क से ज्यादा है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ बड़ी बड़ी बछड़ों से मुझे लगाव हो जाता है, वो रात को ठीक होते हैं, सुबह कुछ हो जाता है, फिर बड़ा दुख होता है। हमारे फॉलोअर्स को ये सवाल रहता है यूजुअली, हमारे नट बटर्स प्लास्टिक में क्यों बेचते हैं। वन ऑफ द मेजर रीजंस इज दैट ग्लास चाहे जितना रीयूज कर सके, एट द एंड जब हम उससे शिप करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में उसके ब्रेकेज का इशू होता है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ये लगेगा, लाइक दिस इज लाइक अ लॉट ऑफ प्लास्टिक, इतना प्लास्टिक सिर्फ एक जार को रैप करने के लिए जाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ग्लास से बेटर प्लास्टिक है, बट प्लास्टिक का एक अच्छा यूज है कि ये पेट प्लास्टिक है, PET, जो 100% रिसाइक्लेबल है। प्लास्टिक की एक अच्छी बात ये भी है कि उसको आप दूसरी चीजों के लिए भी यूज करते हो, जैसे उसमें होल्स बना के उसे प्लांटर्स के लिए यूज कर सकते हैं। हम फार्मिंग में बहुत यूज करते हैं जो प्लास्टिक, हम यहाँ पे डैमेज हो जाता है। हम डिनर टेबल पे यूजली बहुत बात करते थे कि ग्लास बेटर है या प्लास्टिक, और इस चीज के बारे में थोड़ा सा रिसर्च भी हुआ था। रॉबिन खुद गए थे लैंडफिल में और ग्लास रिसाइकलर्स के पास इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लाने के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप एक वीडियो चेकआउट कर सकते हैं जिसका टाइटल है इज ग्लास रियली बेटर देन प्लास्टिक। देयर इज नो लाइक ब्लैक एंड व्हाइट टू दिस इशू। मेरे हिसाब से तो जितना लेस यूज करो उतना ज्यादा सस्टेनेबल है, चाहे वो ग्लास हो या प्लास्टिक। हाउ मेनी पीपल डज इट टेक टू कैच अ चिकन? एट लीस्ट 2। क्यूटनेस की हदें पार हो रही है पीपल फार्म में। दिस इज नॉट फेयर। ओए हाय बेबीज, आप पपी से मिलने आई हो? अभी जो टोफू को पपी से इंट्रोड्यूस कराने का ट्राई कर रही है। हाय रिंगो। अरे बहुत क्यूट है यार। इट्स अ बिग डॉग। द बीटल्स बहुत डिमांड में है। मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि जो ने मेरे मुंह पे मूछें बना दी थी, और मैं नमूनी बन के घूम रही हूँ पूरे फार्म में सुबह से। मैं और वेनु अभी अभी बाहर गेहूं के बारे में एक वीडियो शूट करके आए हैं, और यहाँ पे इन्होंने गेहूं के छोले भटूरे बना रखे हैं। ओह वाह, ये तो पूरा लंगर। तुषार की मॉम आई हुई हैं, नमस्ते आंटी, और कल वो जा रही हैं, तो जाने से पहले छोले भटूरे। पर ये पूड़ी है या भटूरे हैं? भटूरे, मेड इन द स्टाइल ऑफ पूड़ी। अगर तुषार के वीडियो शेयर होने बंद हो जाते हैं तो कम से कम अपनी रोटी चला लेगा ये। एक और बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट है, वो ये है कि क्योंकि कोविड के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं हिमाचल में भी, तो हम वॉलंटियर्स के लिए और विजिटर्स दोनों के लिए अभी के लिए क्लोज्ड है। वैव, 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 वैव। अब गिरगिट और मैं बेस्ट फ्रेंड्स हो गए हैं, मैं इसका नाक छू पा रही हूँ। सोल्जर जो नूरपुर से हमारे पास एक डॉग आया था जिसकी आँख पूरी तरीके से डैमेज थी, उस पर स्विचेस लगे हैं। सोल्जर इस तरफ देख ही नहीं रहा है। पोस्ट सर्जरी अभी कोई हम क्या केयर करेंगे? पहले तो यही केयर करनी होती है कि वो अपने सूचर्स को डैमेज ना करे, इसलिए हमने कोन लगाया ताकि वो पाव से स्क्रैच ना करे और अपने सूचर्स को ना निकाले। दूसरा, इसको एंटीबायोटिक्स पर रखना है और एंटी इंफ्लेमेटरीज पर रखनी है ताकि इसकी हीलिंग जल्दी हो सूचर लाइन की।
और सूचर पे डेली हमें बिटेडिन से ड्रेसिंग करनी है। ये है बियॉन्से जो पूरे दिन गाना गाती रहती है। वेरी नाइस बियॉन्से। बेटी जी देख रही है बड़े ध्यान से टिम्सी की ट्रीटमेंट। बेटी जी सीख लो, तुम्हें भी करना है आगे जाके, ठीक है? और ये देखो कैसे गुड बॉय। पहले भी इसको हमने रेस्क्यू किया था 1.5 साल पहले, उसके बाद इसकी अडॉप्शन भी हो गई थी। तो इसके जो अडॉप्टर हैं वो किसी और देश जा रहे हैं, इसको अपने साथ लेके जा नहीं सकते, वो फिनेंशियली मतलब इतना पॉसिबल नहीं है उनके लिए, इसलिए वो बहुत भरे मन से एक्चुअली सैमसंग को यहाँ पे हमारे पास छोड़ के गए हैं। और इसकी आते ही कमल से दोस्ती हो गई है ना कमल? पर बाकी कुत्ते इसको पसंद नहीं कर रहे। अरे वो नया है ना इसलिए भौंक रहे हैं। और ये इतना प्यारा है, बहुत फ्रेंडली है। ओह सैमसंग, आपको बेब तो याद होगा जो रानीताल से हमारे पास एक अबैंडेंड पेट आया था जिसको वुंड था और बहुत सारे मैगेट्स लगे हुए थे और वो तो खाना भी नहीं खा रहा था और बहुत बुरी हालत थी उसकी एक्चुअली। लेकिन अब वो कुछ ऐसा दिखता है और ये पूंछ भी हिलाने लग गया है। हाय बेबी। इसके सारे मैगेट्स निकल चुके हैं और अब इसको दर्द से शांति मिल गई है और अभी बहुत सारा खाना भी खाने लग गया है ना। सैमसंग इसका पड़ोसी है और बेब को पता चल गया कि कोई नया डॉग भी आया है आसपास। मैं उस तरफ से गई थी आर कैनल्स में तो सोल्जर शर्मा रहा था और उसका चेहरा ढंग से दिख नहीं रहा था, उसके स्विचर्स नहीं दिख रहे थे। पर अब मैं दूसरी तरफ से हूँ और ये है सोल्जर। हीज आर वन आइड डॉग। उसके अभी फ्रेश स्विचर्स है और ये धीरे धीरे सोल्जर ऑब्वियसली आज थोड़ा सा परेशान है क्योंकि पोस्ट सर्जरी डॉग्स ऑब्वियसली थोड़े से इरिटेट हो जाते हैं। कल कांगड़ा से हमारे पास एक काफ आया जो अबैंडेंड है। वी आर नॉट श्योर कि इसको लगी कैसे है, पर इसके ये फ्रंट वाले हूफ में इंजरी है और ये इतना क्यूट है। और अभी ये सिद्धार्थ के साथ दोस्ती कर रहा है और मज़े की बात ये कि दिखता भी सिद्धार्थ जैसा ही है। इसका नाम हमने अभी नहीं रखा है बट इसकी और सिद्धार्थ की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई है एक ही दिन में। ऐसे लग रहा है बिछड़े हुए जुड़वा भाई हैं ये। वाह लिया, ये क्या स्टाइल है खुदाने का। अरे वाह। हाय, आप क्या देख रही हो मोहतरमा? मेरे साथ है जो, डॉक्टर गुलशन, चिली और स्पॉट। हम एक वीडियो शूट कर रहे हैं। द गुलशन बेसिकली आंसर करेंगे सारे वो क्वेश्चंस जो पेट से रिलेटेड है, उनकी ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, फीवर्स, टिक फीवर्स, इस तरह की जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं जो आप अपने पेट्स के साथ डील करते हैं और वो डील कैसे किया जाए, ट्रीट कैसे किया जाए, ये अपलोड होगी हमारे पीपल फार्म हेल्पलाइन पे। आज चरणदास के चरणों का हो रहा है पेडिक्योर, मतलब कि हूफ ट्रिमिंग। और इसकी एक टांग इसलिए बांधी है क्योंकि आपको पता है कि ये चरण बहुत मारता है। इनके हूफ अगर टाइमली ट्रिम ना किए जाए तो ये टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं जिनकी वजह से इनके जॉइंट्स में बहुत इफेक्ट पड़ता है, कई बार इनको चलने में दिक्कत आ जाती है। दोपहर के टाइम लंच के बाद हमारा एनिमल एरिया कुछ ऐसा दिखता है। बेटी जी चिलिंग इन द सन। यहाँ पे हमारी क्लीनिंग चल रही है, धूप ज़्यादा हो गई है तो हमारे जितने लार्ज एनिमल्स हैं वो सारे अब काउ शेड में आराम फरमाते हैं। दुनिया के सारे दुख तो मीमी को ही है ना मीमी? इसका नाम खजूर है और इसको थकाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आज बड़ा ही स्पेशल दिन है बिकॉज हमारी 90% टीम एब्सेंट है। तो यह है पूजा जो एक प्रोडक्शन में काम कर रही है, एक मैं हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ पैकेजिंग में क्या चल रहा है क्योंकि पैकेजिंग की पूरी टीम गायब है कि आपके डब्बे आज कौन पैक कर रहा है। सो साहिल है जो आज आपके सारे डब्बे डिस्पैच करने वाला है एंड ही इज डूइंग दिस सिंगल हैंडेडली। ऐसे काफ़ी प्रो बन गए अभी ये करते करते एंड हम हमेशा प्रिपेयर रहते हैं ऐसे दिनों के लिए जब हमारी टीम नहीं आएगी, सो वी नो कि ये हम कर सकते हैं बिकॉज एट दी एंड वी वॉन्ट कि हमारे ऑर्डर्स को भी जाए। हमने इसको नाम दिया है पैकमैन, सो ये है आपके पैकमैन।
अब तुषार 600 जगह मुझे बिठवाएगा। एक तो ना सुबह शूट करने में दिक्कत यह है कि सन बड़ा हार्श होता है। तुषार जी महाराज देख रहे हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ। बड़ी बारी ऐसा होता है कि हमने वीडियो शूट कर लिया, पता लगता है कि अरे आपके तो जी नाक पे कुछ लगा हुआ था, फिर उसके बाद दोबारा शूट करना पड़ता है। हमारे 3-4-5 कई बार 10 तक रीटेक्स हो जाते हैं, क्योंकि मैं बोलते हुए नर्वस हो जाता हूँ कैमरा देख के या तुषार को देख के, या बोलते हुए हंसी आ जाती है कई बार, अगर थोड़ी बहुत फनी हो। आपको लगता है कि वाओ कितना अच्छा बोला, बड़े अच्छे से आर्टिकुलेट किया, पर इसके पीछे बहुत सारे अटेम्प्ट्स होते हैं जो आपको नहीं दिखते। तो अगर आप भी कुछ कहना चाहते हो तो वीडियो बनाने से घबराइए मत। 4-5-6-10-20 बारियां भी लगें, उसमें से जो टेक आपको अच्छा लगे फिर आप वो पब्लिश कर सकते हैं। तो जस्ट थॉट कि यार ये आपको मैं एक क्लियर कर दूं कि आपको कोई ये गलत इमेज नहीं जा रही कि भाई एक बार में साहब आते हैं कैमरे के आगे ऐसे झकास बोल के चले जाते हैं, ऐसा नहीं है।